नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 23 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। एक तो ये वीडियो और एक ये वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 19 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। अब यहाँ से आपको दो हिंट मिलते हैं। एक तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम भी दिया गया है हेमंत बिस्वा शर्मा, और दूसरा शहर भी दिया गया है गुवाहाटी। ये दोनों आसाम से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आसाम। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने 19 जुलाई 2022 को गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत की है। अभी जो स्वनिर्भर नारी स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य राज्य के स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाना और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो ये इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का। अब आसाम का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में आसाम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है जुडीमा चावल की वाइन, आसाम से संबंधित है। आसाम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले के चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। बैखो उत्सव असम में मनाया गया। अंबुबाची मेला ये भी असम में मनाया जाता है। अब एक काम करते हैं, असम का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और कवर कर लेते हैं। असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्यौहार असम में मनाया गया। ताज़ा बर्मिस अंगूर दुबई को असम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन SHG नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह SHG बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्र जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब लोकेशन देखिए आप आसाम की, ये है लोकेशन। भूटान, बांग्लादेश दो देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती हैं। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है। जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं रश्मीन मनहारबी छाया, आरएम छाया भी आप कह सकते हैं। 34 जिले हैं लोकसभा की, 14 सीट राज्यसभा के साथ विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और इम्पोर्टेंट डांस है बिहू डांस, गारो हिल्स, खास हिल्स और मेघालय हिल्स, और गारो हिल्स, खास हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये तीनों हिल्स मेघालय में हैं, ना कि आसाम के अंदर। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर नामक एक पुस्तक जुलाई 2022 में लॉन्च की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? धृति साहा, ए ऑप्शन जो है ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है, धृति साहा। थर्ड क्वेश्चन, 2022 में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया, यानी वर्ल्ड ब्रेन डे, ये 2022 में कब मनाया गया? तो ये हर साल कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को, यानी थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन 22 जुलाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है? जो ब्रेन हेल्थ इशू है ना, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस दिवस को हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इसे फर्स्ट टाइम 2014 में मनाया गया था। इसकी थीम आप याद रखेगा, 2022 की थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल, ये 2022 की थीम है। बात करते हैं दूसरे दिवसों की, इंपॉर्टेंट जो डेज हैं जुलाई के। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, ये मनाया गया। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, ये मनाया गया। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया गया। और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, ये मनाया गया।
तो बी ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, मारिया ड्रैगी ने 21 जुलाई 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इटली जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे इम्पोर्टेंट, ये जो दूसरे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल रियाद है, सऊदी रियाल करेंसी है। ओमान की कैपिटल मस्कट है, ओमानी रियाल करेंसी है। पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी इसकी सोल है। अब इटली की लोकेशन देखिए आप, देखो ये है इटली की लोकेशन, कैपिटल रोम है, यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। इटालियन लीरा, करेंसी है मारियो द्रागी, इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, तो इनका नाम आप याद फिर भी एक बार रख लीजिएगा, मारियो द्रागी हैं। प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैटेरेला। तो ये तो बात करी हमने इटली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कौन सा देश व्यापक सीमा प्रबंधन योजना CBMP को प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमत हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, फिजी की कैपिटल सुवा है, फिजियन डॉलर करेंसी है। जापान की कैपिटल टोक्यो है, जापानीज येन करेंसी है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है और करेंसी क्या है? यूरो है। जर्मनी से आप एक पॉइंट याद रखेगा ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में, ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो आप लोकेशन देखिए, देखो ये है बांग्लादेश, कैपिटल ढाका है, यही लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेश सिटी का करेंसी है, अब्दुल हमीद राष्ट्रपति है, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। टोटल भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल एक, आसाम दूसरा, मेघालय तीसरा और त्रिपुरा चौथा और ये मिजोरम पाँचवा। तो 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गुणवर्धने किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बी ऑप्शन जो है ये 6th क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शनों की, डेनमार्क की कैपिटल कॉपेनहेगन है, करेंसी है डेनिश क्रोन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना है और करेंसी है यूरो। अब बात यहाँ पर श्रीलंका की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, देखो ये है श्रीलंका, ये राइट हैंड साइड में देखिए आप, ये श्रीलंका है। इसकी दो कैपिटल है, सिरी जयवर्धने पूरा कोट्टे ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कोलंबो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आनिश भानवाला का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है शूटिंग यानी निशानेबाजी, शूटिंग यानी ए ऑप्शन, ये 7th क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 जुलाई 2022 को किस शहर में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली जो है ये 8th क्वेश्चन का सही आंसर है, नई दिल्ली। 9th क्वेश्चन, ONGC विदेश लिमिटेड के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किसको? राजर्षि गुप्ता को, यानी 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है, राजर्षि गुप्ता। 10th क्वेश्चन, केंद्र सरकार के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है तमिलनाडु, बी ऑप्शन, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की क्या रैंक है? 87th। दूसरा क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को। तीसरा क्वेश्चन, बोनाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया। चौथा क्वेश्चन, भारत और किस देश ने वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नामीबिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 5th क्वेश्चन, FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने। 6th क्वेश्चन, किसने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड SEBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद राव। तो ये तो थे कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन, खबरों में रहा काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? दूसरा क्वेश्चन, भारत की नई राष्ट्रपति कौन बने हैं? 3rd क्वेश्चन, कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है? और 4th क्वेश्चन, वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? 5वां क्वेश्चन, किसको 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी बोर्ड ऑफ इंडिया। 6th क्वेश्चन, किसने जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्टी विल टेंपल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो
तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।